ग्वालियर में नारायण विहार कॉलोनी में 6 बदमाशों ने एक घर पर पथराव कर जमकर फायरिंग की। बता दें, गोली किसी को नहीं लगी है, लेकिन वहां दहशत इतनी हो गई है कि लोग घरों में छुप गए। घटना में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिनके आधार पर एक आरोपी की पहचान की गई है। वह बता दें कि वहां मौजूद युवती ने बताया कि वो किचन में दूध गर्म कर रही थी और उसका बेटा बाहर कमरे में था। अचानक लोग आए और गेट पर निशाना साधकर गोलियां चलाने लगे। इसके बाद वो धमकाते हुए भाग गए। वहीं रियदमन त्यागी ने बताया कि उसका कुछ दिनों पहले इसी क्षेत्र के लड़कों से विवाद हुआ था और उन्होंने उसकी गाड़ी भी चला दी थी। इसके बाद से वो लगातार उसे घेरने की कोशिश कर रहे हैं और आज घर पर गोली मारकर हत्या करने पहुंचे थे। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। बता दें, पुलिस के अनुसार फरियादी भी पुराना अपराधी है। वहीं घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसके आधार पर कुछ आरोपी पहचाने भी जा चुके हैं, जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। नारायण विहार में आज शाम के समय रिपुदवन त्यागी के घर के बाहर फायरिंग की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर होके आई है और उनकी रिपोर्ट पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।